वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंसेंट ओएस कैसे इंस्टॉल करें जो कि रेडमी नोट 8 प्रो में। तो यहाँ पे इंसेंट ओएस का आपको यहाँ पे न्यू वर्जन मिल चुका है जो कि रेडमी नोट 8 प्रो के लिए। तो यहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो कैसे इंस्टॉल करें उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हो। और यहाँ पे जो मेथड है ग्लोबल इंडियन और यहाँ पे इंडोनेशियन कौन सा भी यहाँ पे MIUI 12.5 के ऊपर वर्क होता है याद रखना है। आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन अपने डिवाइस में इंस्टॉल्ड कर लेना होगा जो कि आप यूज़ कर सकते हो जो कि 12.5.3 नहीं तो 12.5.5 वर्जन। तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड रहना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको, आपके सिंपल MIUI वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है। उसके बाद बैक आना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है, आपको यहाँ पे डेवलपर्स ऑप्शंस में जाना है जो कि देख सकते हो OEM अनलॉकिंग जो कि बूट लोडर इज ऑलरेडी अनलॉक जो कि मेरे डिवाइस का यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे आप कोई भी कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो फर्स्ट अपने डिवाइस का आपको यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक कर लेना होगा। और बूट लोडर कैसे अनलॉक करें उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक है तो बेशक आप इंसेंट ओएस या यहाँ पे दूसरा कोई भी कस्टम रॉम इंस्टॉल कर सकते हो जो कि ये मेथड यूज़ करके। उसके बाद आपको यहाँ पे डेटा बैकअप कर लेना होगा जो कि MIUI से आप कस्टम रॉम में जाते हो तो यहाँ पे आपका डेटा इरेज होता है। तो सिंपल आपको यहाँ पे डेटा बैकअप कर लेना होगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे सिंपल PC से कनेक्ट कर लेना है और फाइल ट्रांसफ़र आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है। और आपको यहाँ पे आना होगा PC में। PC में आने के बाद प्लेटफॉर्म टूल, उसके बाद यहाँ पे TWRP वर्जन 3.0 और एंसियंट OS जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है वर्जन 6.0, मैजिस मैनेजर ZIP, मैजिस मैनेजर APK, रूट चेकर APK। यहाँ पे ये तीनों जो है रूट के लिए यूज़ होता है, एक कस्टम रॉम, कस्टम TWRP प्लेटफॉर्म टूल जो कि कमांड के लिए यूज़ होता है। तो ये चारों फाइल को कॉपी कर लेना है और अपने इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हो रहा है, तो सिंपल आपको यहाँ पे कॉपी होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपी हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे आना है डिवाइस में। डिवाइस में आने के बाद पावर प्लस वॉल्यूम डाउन की दोनों को यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल आना है PC में। PC में आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है जो कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। ये फोल्डर को ओपन करना है, ये फोल्डर को भी ओपन करना है और यहाँ पे जो फाइल का पाता है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है जो कि एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है जो कि फास्टबूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है नहीं है, अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्टबूट डिवाइसेस टाइप करके इंटर करना होगा जो कि देख सकते हो एक रैंडम नंबर, उसके बाद फास्टबूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है। इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे TWRP को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है जो कि यहाँ पे बेगोनिया रिकवरी प्रोजेक्ट 3.5 वर्जन यहाँ पे 3.0। और यहाँ पे जो TWRP आता है MIUI Android 11 के लिए आता है। आपके डिवाइस में MIUI 12.5 है, Android 11 है तो ये रिकवरी यूज़ कर लेना होगा जो कि यहाँ पे आपको एक लेटेस्ट रिकवरी आता है। और यहाँ पे आपका प्रीवियस वर्जन है जो कि MIUI 12.0 पॉइंट का, तो आपको यहाँ पे अपग्रेड कर लेना होगा जो कि 12.5 पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ROM इंस्टॉल्ड कर लेना है जो कि लेटेस्ट फर्मवेयर यहाँ पे रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपके डिवाइस यहाँ पे सेफली इंस्टॉल्ड हो जाएगा जो कि कस्टम ROM। उसके बाद जो यहाँ पे PC का वर्क यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, सिंपल आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन करना है और आपको एक बार ROM को चेक कर लेना है जो कि देख सकते हो कॉपी हो चुका है। होम प्रेस करना है, वाइप में जाना है, एडवांस वाइप, डेल्विक सिस्टम, वेंडर डेटा, कैश, आपको यहाँ पे वाइप कर देना है, होम प्रेस करना है, इंस्टॉल में जाना है, इंसेंट OS को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा जो कि देख सकते हो इंसेंट OS एंड्रॉयड वर्जन 12। उसके बाद यहाँ पे 5th November का सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल्ड हो रहा है, तो सिंपल आपको यहाँ पे इंस्टॉल होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ROM इंस्टॉल्ड हो चुका है। अगर आप ये ROM के साथ रूट इंस्टॉल्ड करना चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ पे मैजिस मैनेजर ZIP को भी इंस्टॉल्ड कर लेना होगा जो कि मैजिस मैनेजर ZIP इंस्टॉल्ड करने से आपके डिवाइस में यहाँ पे रूट अनेबल हो जाएगा जो कि देख सकते हो यहाँ पे रूट इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे होम प्रेस करना है, रीबूट और आपको यहाँ पे रिकवरी चूज कर लेना होगा और यहाँ पे आपको सिंपल वेट कर लेना होगा जो कि डिवाइस यहाँ पे रिकवरी में बूट होने तक, जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे TWRP में बूट होगा, तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा। उसके बाद स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन, वाइप, एडवांस वाइप, यस आपको यहाँ पे आपको कर लेना है जो कि डेटा वाइप कर लेना है, ओके करना है।
और यहाँ पे आपको सिंपल रीबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना है जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो बूट एनिमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इंसेंट ओएस का जो कि एंड्रॉयड 12 के साथ। तो यहाँ पे आपको सिंपल वेट कर लेना है जो कि यहाँ पे डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो इंसेंट ओएस यहाँ पे बूट हो चुका है। तो सिंपल आपको यहाँ पे सेटअप कर लेना है और सेटअप करने के बाद बेशक आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जो कि एंड्रॉयड 12 रोम को। तो यहाँ पे जो वीडियो है एक इंस्टॉलेशन वीडियो है, इसके बाद एक कंप्लीट रिव्यू वीडियो मिल जाएगा जो कि सून एज सून पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि यहाँ पे रेडमी नोट 8 प्रो के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।